हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बताएंगे आपको वेज पालक खिचड़ी बनाने का तरीका। ये जितनी फेमस है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है, बनाने बिल्कुल आसान है। एक साई खिचड़ी है, घर में जब भी बनती है सभी को बहुत पसंद आती है। बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा आपको ये कैसे बनेगी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बासमती कनकी चावल है, इसको आप टुकड़ा चावल भी कह सकते हैं। लगभग 100 ग्राम चावल लिया है मैंने। ये दो तरह के, इसके अंदर हम दालें ऐड करेंगे। 100 ग्राम दालें भी लेंगे, मूंग की दालें ये छिलके वाली, इसको भी ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम दोनों दालों को ऐड करके इसमें हम पानी डाल के और इसको रख देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए मूंग की दोनों दालें इसमें हमने ऐड कर दी। आप दाल कोई सी भी ऐड कर सकते हो जो आपको पसंद हो। इसको मिला के इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे रख देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर 2-3 बार पानी निकाल के और इसको हम ऐड कर देंगे। इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है और इसको हम रख देते हैं साइड में 10 मिनट के लिए। 1.5 लीटर पानी उबाला है, आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। हमें सिर्फ पालक को उबालना है, तो पालक के पत्ते ऐड करेंगे इसके अंदर और पालक को 2 मिनट पकाना है हमें। इसमें पत्ते ऐड कर लिए, पत्ते मैंने अच्छे से साफ कर लिए। लगभग 300 ग्राम पत्ते हैं ये पालक के। इसको अच्छे से मिला लेते हैं और 2 मिनट से पका लेते हैं। इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम ठंडे पानी में डाल देंगे जिससे अच्छे से ठंडे हो जाए। एक कुकर के अंदर हम पानी डालेंगे 1 गिलास। इसके अंदर हम जो चावल हमारे हैं, दालें हैं, इसको 2-3 बार पानी में निकाल के और इसको हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। ये टोटल 300 ग्राम है, दो तरह की दालें हैं इसके अंदर। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और 1/2 चम्मच इसके अंदर हम हल्दी ऐड करेंगे। और इसके अंदर हम एक गोभी का फूल मेरे पास पड़ा था, ऑप्शनल है, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। और 1 कटोरी इसके अंदर हम मटर ऐड करेंगे और इसको मिलाएंगे अच्छे से। बिल्कुल सिंपल तरीका है, मिला के इसका खिचड़ी बना देंगे हम। 1 सीटी लगानी है सिर्फ इसके अंदर, तो इसमें 1 सीटी लगने देते हैं। इसमें 1 सीटी लगती रहेगी, उधर हम अपना एक पेस्ट बना लेते हैं पालक का। तो इसके अंदर हम पालक के पत्ते ऐड कर लेते हैं, ठंडे पानी में रख दिए थे कुछ देर के लिए। इसके अंदर हरा धनिया भी ऐड करेंगे और इसमें हम स्वाद अनुसार 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड करेंगे और इसका पेस्ट बना लेते हैं। इधर ये 1 सीटी लग चुकी है, इसके साइड में रख के इसकी स्टीम निकलने देंगे। स्टीम निकल के इसकी खिचड़ी हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे थोड़ा ठंडा करके। बिल्कुल आसान तरीका है ये वाला। इस तरीके से अगर आप बनाते हैं खिचड़ी, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, इसके अंदर हम 1 चम्मच जीरा और 2 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 सूखी मिर्च, 1 मीडियम साइज की प्याज बारीक कटी हुई ऐड करेंगे और इसको भी प्याज को मिलाएंगे। बट पहले इसके अंदर हम थोड़ा सा लहसुन बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, आप चाहे तो कूट के भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा अदरक इसके अंदर वही बारीक कटा हुआ और इसको मिलाएंगे अच्छे से। मिला के इसका प्याज का कच्चापन खत्म करेंगे पूरी तरीके से। ये देखिए आप, प्याज का कच्चापन खत्म हो चुका है। देखिए ये तड़का बना रहा हूँ मैं, इसमें से हम थोड़ा सा तड़का बाद में निकालेंगे भी, तो उसे बाद में यूज करेंगे। तो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, इसके अंदर हम थोड़े से काजू ऐड करेंगे। इसके अंदर हम मक्खन ऐड करेंगे 1 चम्मच, इसे मिलाएंगे अच्छे से। अच्छे से मिला के इसके अंदर हम 1 चम्मच मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। नमक मिर्च आप अपने स्वाद अनुसार रखें और इसको मिलाएंगे और भुनेंगे थोड़ी देर। ये देखिए मसाला जब हमारा अच्छे से भुन जाए तो हम 1 चम्मच तड़का निकाल लेंगे, वो तो तड़के के लिए हम बाद में यूज करेंगे ऊपर से। तो जो बचा हुआ मसाला हमारा है, पालक का जो पेस्ट हमने बनाया उसको ऐड कर लेते हैं इसके अंदर और ऐड करके इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिला लिया है, 1/2 चम्मच इसके अंदर हम किचन किंग मसाला ऐड करेंगे और इसे मिलाएंगे अच्छे से। मिला के लगभग 1 मिनट इसे भूनना है इस तरीके से। 1 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम दाल और चावल ऐड करेंगे जो हमने कुकर में 1 सीटी लगाई थी और थोड़ी देर उसे रखा, उसके बाद किसी बर्तन में मैंने इसे निकाल लिया है, 5-10 मिनट रखा है इसको। उसको मिलाएंगे अच्छे से, अच्छे से मिलाएंगे इसको। बहुत ही स्वादिष्ट बनती है अगर आप इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये मैंने अच्छे से मिला लिया है इसको, ऊपर से थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इसमें
मेरे हिसाब से थोड़ा सा नमक कम था इसमें, और इसे अच्छे से मिला देंगे और ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। ये देखिए आप, देखने में ही कितनी लाजवाब लग रही है ये। ऊपर से अब हम ये अपना तड़का ऐड करेंगे इसमें इस तरीके से। अभी पूरी तरीके से वेज पालक खिचड़ी खाने के लिए एकदम तैयार है। इसके अंदर आप कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, तब भी बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। ये असली भारतीय खाने का असली स्वाद है ये पालक वेज खिचड़ी। बहुत ही पुराना तरीका है इसे बनाने का, और ये दादी नानी वाली रेसिपी है। जब भी घर में बनती है ना ये रेसिपी, तो सभी को पसंद आती है। सभी सोचते हैं कि हर मेंबर सोचता है कि मैं भी यार थोड़ा खा के देखूं, अलग ही स्वाद आता है। आप इसको लहसुनी पालक खिचड़ी भी कह सकते हैं, सिर्फ पालक खिचड़ी भी कह सकते हैं। इसको लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बनाते हैं, और सभी को बहुत पसंद आती है ये। असल में असली साई खिचड़ी है ये। ये देखिए पूरी तरीके से खाने के लिए तैयार है हमारी वेज पालक खिचड़ी। तो उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आया होगा, आप एक बार ट्राई जरूर करें इसको। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल भी दबाइए, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी राय हो, हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।